अदा करता है, रोल अदा करता है। टीचर बच्चों को इस तरह मोटिवेट करता है कि सब बच्चे जवाब दे सके, अलग अलग जवाब को जोड़कर इस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले सवाल, फिर उसके बाद उनके टेंटेटिव जवाब जिसको वो मफरूजा या हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हाइपोथेसिस लिख लेंगे यानी मुमकिना जवाब लिखेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि ये सवाल की ये जवाब तो आ रही है, जिसकी वजह से उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। इसमें डिवाइड किया गया है, कुछ टीचर सेंटर्ड है और कुछ पीपल सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड कौन से है? मैम लेक्चर हो गया, लेक्चर कम लेक्चर मेथड, स्टोरी का नहीं, सिर्फ लेक्चर मेथड। टीचर सेंटर्ड, हिस्टोरिकल मेथड, टीचर सेंटर्ड, वो भी टीचर का सेंटर्ड है। लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन भी टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर अकेला क्या करता है, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, तजुर्बा करके दिखाता है, साथ में एक्सप्लेन भी करता है, तो वो भी टीचर सेंटर्ड है। अब पीपल सेंटर्ड कौन सा है? ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट, इंडक्टिव मेथड। नहीं, इंडक्टिव नहीं होगा वो, डिडक्टिव। डिडक्टिव नहीं बेटे, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, मैम एक लेबोरेटरी मेथड हो गया, स्टूडेंट सेंटर में प्रोजेक्ट और ह्यूरिस्टिक हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड थी स्टूडेंट सेंटर। इसके अलावा देखो यहाँ पर जिनका जिक्र जदीद टीचिंग टेक्निक कहा गया है, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स। क्या है मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स? अब बहुत पहले जब हम हमारे जमाने में या उससे पहले से टीचर सेंटर्ड मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता था। टीचर बहुत एक्टिव रहते थे, वही सारा साल गर्म रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है ना। उसके बाद में पीपल सेंटर्ड टेक्निक्स आ गए, पीपल सेंटर्ड मेथड्स आ गए, फिर बच्चों को भी काम दिया जाने लगा, उनको प्रोजेक्ट देने लगा जाने लगा, उनको प्रॉब्लम दिया जाने लगा, फिर वो तहकीक करके रिसर्च करके उसको करने लगे। उसके बाद में अब जो टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है उन टेक्निक्स में टेक्निक्स को मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? जब एक सवाल दिया जाता है बच्चों को, तो उस सवाल पे डिफरेंट बच्चे डिफरेंट व्यूज अपने अपने पेश करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक मसले का बहुत सारे कई सारे हल निकलते हैं। फिर टीचर एक फैसिलिटेटर का या फिर सोच पर आमादा करने वाले का काम अदा करता है, रोल अदा करता है। टीचर बच्चों को इस तरह मोटिवेट करता है कि सब बच्चे जवाब दे सके, अलग अलग जवाब को जोड़कर इस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें हर बच्चे को अपनी सोचने की और अपने बोलने की आजादी दी जाती है, ठीक है। इससे नए क्रिएटिव आइडिया बच्चों में पैदा होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट एक है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग जो होती है आज के मुझे लगता है छोटी सी क्लास से ही माइंड मैपिंग सिखाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइंड मैपिंग में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जैसे मादा लिया गया है सपोज, तो हम मादे के कितने टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पर टोस्ट और गैस, फिर इनकी क्या खसूसियात है, ठीक है। एक माइंड मैप बन गया। ओके, ये इस तरह से माइंड मैप्स बनाते हैं, तो बहुत सिंपल है। और भी फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी दे देते हैं। और फिर ये खुसूसियात के बेसिस पर रिलेटेड अगर एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उसको भी थोड़ा ब्रीफली लिख लेते हैं। तो एक जैसे ही मादा आएगा वो माइंड मैप आपकी नजर में, आपकी नजरों के सामने आ जाएगा और उसको आप फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू अपने जहन में जहन-नशीन कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि माइंड मैप का हो सकता है आपका सवाल आ जाए, यहाँ टोस्ट मास्टर माया गैस की मिसाल लिखी,
फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट मैपिंग है। कॉन्सेप्ट मैपिंग या देखो पानी का तस्वुर आपकी खाका है, ये तो खाली आप ये तस्वुर आपकी खाका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ये जो माइंड मैप बनाया है इस तरह से बनेगा, और जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना उसमें क्या करते हैं फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट समझते हैं आप लोग, यहाँ पे आप रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करके अपना पूरा माइंड मैप सॉरी कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट है एक कॉन्सेप्ट लेना है उससे रिलेटेड सारे जीली कॉन्सेप्ट या जीली तस्वुरात का एक खाका बनाना है। ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये भी एक बिग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरह से इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल होता है। इंक्वायरी तफ्तीश, इंक्वायरी करना है ना तफ्तीश करना, और ये बहुत हायर लेवल का क्या कर सकते हैं तरीका है, हायर लेवल का टीचिंग प्रैक्टिस है। जो रिसर्च ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हल करने को या फिर उनको पाने के लिए इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और साइंस साइंस इज बेसिकली अ रिसर्च ओरिएंटेड। क्या अब नजर आ रहा है ये? यस लेकिन क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा। No, मैम पढ़ा नहीं जा रहा है। मैम आप जब लिख रहे मैम उसको पढ़ भी दीजिए तो हम लोग नोट कर लेंगे। तुम कर लो, नहीं पढ़ा जा रहा तो। जिसको गोल कहते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या कहते हैं गोल, यानी जिस तफ्तीश करने का क्या गोल है, क्यों तफ्तीश की जा रही है, ये वाजे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अब दूसरा जो है ना, अब उसकी दूसरा कॉम्पोनेंट है सा, जिसको इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर कहेंगे। स्ट्रक्चर इज ओके सर, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किस किस चीजों से बनता है देखो। नंबर ए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, क्लियरली पता होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम यानी बच्चे को जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है वो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, वाज़ह होना चाहिए। जो सवाल जिस सवाल की तफ्तीश तलबा को करने के लिए कहा जा रहा है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे ही बच्चों को मसला अच्छी तरह से समझ में आएगा उनके दिमाग में एक जवाब खुद ब खुद, जैसे ही सवाल कोई आता है तो जहन में उसके हमारे टेंटेटिव एक सलूशन आ जाता है, एक मुमकिन जवाब हमारे जहन में पैदा होने लगता है, वो फितरती तौर पर है। ठीक है, वो मुमकिन जवाब या मफरूजा या इमीडिएट टेंटेटिव सलूशन जो होता है वो हमारे पुराने तजुर्बात के बेसिस पर, हमारे मुशाहिदों के बेसिस पर, या हमने कुछ पढ़ा उसके बेसिस पर हमारे जहन में कुछ जवाब आते हैं, वो जवाब लिख लेना, उसको कहते हैं मफरूजा बनाना, या अंग्रेजी में उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, कंडक्टिंग इंक्वायरी। अब इसमें कैसे कंडक्ट करेंगे, जब उनके जहन में कोई सवाल का कुछ जवाब आ जाएगा वो लिख लेंगे, पहले सवाल फिर उसके बाद उनके टेंटेटिव जवाब जिसको वो मफरूजा या हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हाइपोथेसिस लिख लेंगे यानी इन मुमकिन जवाब लिखेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि ये सवाल के ये जवाब तो आ रही है जिसकी वजह से उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, फिर उस डायरेक्शन के बेसिस पर वो अपना सवाल पर्चा बनाएंगे या फिर सवाल बनाएंगे, और इन सवाल के जरिए वो अपनी इंक्वायरी को कंडक्ट करेंगे। सवाल पूछ पूछ कर वो तफ्तीश करना शुरू करेंगे, उसके लिए वो लाइब्रेरी जाएंगे, रिसर्च करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, टीचर से बातचीत करेंगे,
जिसका रिसर्च करनी है उसके बारे में अच्छे से छानबीन करेंगे। जब वो छानबीन करेंगे तो उनके पास एक डेटा आएगा कि फलाने इसका जवाब ये दिया, फलाने इसका जवाब ये दिया, तो उस डेटा को जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वो डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, ठीक है, उनके पास सबका एक जवाबातों का एक जखीरा जमा हो जाएगा, उसको कहते हैं डेटा, वो डेटा कलेक्ट करके रखेंगे, फिर वो लास्ट में उसका तजिया करेंगे। ऐसे ही जैसे परसेंटेज एनालिसिस को लेकर या आप ग्राफ की शक्ल में उसका तजिया करें। ठीक है, तजिया करना या डेटा एनालिसिस करना, जब उनके पास डेटा आ जाएगा उसी डेटा के बेसिस पर डेटा का एनालिसिस करेंगे, तजिया करेंगे। इसको कैसे करेंगे, या तो ग्राफ की वजह से या फिर फीसद, फीसद के तरीके से या ग्राफ के तरीके से वो उसका तजिया करेंगे। तजिया करने के बाद नतीजे मिलेंगे कि किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इतना परसेंटेज इन इन स्टूडेंट्स का कहना है कि साइंस पढ़ने में उनका उनकी दिलचस्पी क्यों कम है, या फिर इस साइंटिस्ट की इन्वेंशन को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, इस इन्वेंशन को उसके जवाब पर आपका एक एनालिसिस खुद ब खुद नतीजा आएगा। फाइनली में होगा नतीजा, नतीजा अक्स करना, नतीजा या कंक्लूजन। ठीक है, और मेहनत करें मॉड्यूल। तो ये है इंक्वायरी बेस्ड मॉड्यूल। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड मॉड्यूल में क्या क्या है, सबसे पहले गोल यानी ऑब्जेक्टिव कि हम क्या इंक्वायरी करने जा रहे हैं, किस चीज की तफ्तीश करने वाले हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर या साथ कि हम उसके पहले हम एक तरीके से उसका ये फॉर्मेट बनाएंगे कि करना क्या है, यानी स्टेप वाइज मरहला। तो चांद पर पौधे उग सकते हैं क्या, सपोज ये सवाल बच्चों को दिया जाए, चांद पर पौधा उग सकता है या नहीं, ये समझो सवाल है इंक्वायरी तफ्तीश करने के लिए तलबा को दिया जाए। ये सवाल दिया गया तो ये इंक्वायरी करना है, हदफ है और इसकी शाख बनानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, क्या चांद पर पौधे उगाए जा सकते हैं, ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर, तो चांद पे पौधे उगाए जा सकते हैं क्या? नहीं मैम, वहाँ पे तो पानी नहीं मैम, वहाँ पे पानी और ऑक्सीजन आया नहीं, तो हो जाएगा ऑक्सीजन तो छोड़ेंगे। आप पूछ सकते हैं कि चांद पर पौधा नहीं उगाया जा सकता, ऐसा आपका मफरूजा है। ठीक है, ऐसा आपको आपने पढ़ा है, आपकी पुरानी नॉलेज है, आपके टीचर्स ने बताया है, तो इन सब सभी मालूम प्रीवियस सारी मालूम के बेसिस पर, मुशाहिदों के बेसिस पर आपने मफरूजा बनाया। अब हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, लोगों साइंटिस्ट या साइंस टीचर से डिस्कस करेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, या फिर माहिर तालीम से डिस्कस करेंगे, या लाइब्रेरी में जाके वो आर्टिकल्स, क्योंकि मैं नहीं मानूंगी आपकी बात, मैं कहूंगी कि चांद पर पौधा उगाया जा सकता है, लेकिन अब आपको प्रूव करना है। जैसे एक एडवोकेट प्रूव करता है ना कि मुलजिम बिल्कुल ये सजा पाने के हकदार है, इसको सजा मिलनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके पास एविडेंसेस है। इन द सेम वे यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, फिर आप सवाल इकट्ठा करेंगे या फिर आप लाइब्रेरी जाएंगे, आर्टिकल्स रेफरेंसेस तब पता करेंगे कि चांद पर ये इस वक्त इस तरह की रिसर्च की गई, उससे पाया गया कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर सॉइल इस तरह की नहीं है, वहां पर सब पानी नहीं है, तो फिर पौधा उगने के लिए तमाम चीजों की जरूरत है। इससे साबित होता है ये डेटा आपने कलेक्ट किया, फिर यहाँ तजिए में बताया कि
इतने लोगों ने या इस साइंस में ये बताया गया है वो आपका तजिया हो। फिर यहाँ फाइनलाइज में आप लिखोगे पर, क्योंकि हम ऐसे साइंटिफिक साइंस जब टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो जब भी हम कोई बात करते हैं उसके पीछे एक एविडेंस होना जरूरी है। तो आप ये सब एविडेंसेस को यहाँ पर तज्जिए में बताएंगे और फिर नतीजे में बताएंगे कि इन तमाम नतीजों इन तमाम एविडेंसेस के बेसिस पर आर्टिकल्स डिस्कशन फाइंडिंग्स रिसर्च तहकीक सब के बेसिस पर हम ये तय पाते हैं कि पौधा चांद पर नहीं उगाया जा सकता है। ये आपका कंक्लूजन हो जाए। तो दिस इज एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल बच्चों को और भी दूसरे क्वेश्चन पूछ के इस तरह से एंटर। यस मैम, यस मैम। यूट्यूब चैनल तालीमी तकनीकी तहकीकी बसीरत तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मज़ीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।